आज मैं आपको, वैसे आज हमारी हड़ताल है इसलिए वी आर नॉट इन यूनिफॉर्म, वर्क सस्पेंड है और कल से 5 दिन की छुट्टी भी है। आज मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मर्डर केसेस में भी होमिसाइडल और सुसाइडल जो अननेचुरल डेथ होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सबूत होता है, जो चाहिए होता है न्यायालय का, वो टाइम ऑफ डेथ फिक्स करना होता है, प्लेस ऑफ डेथ फिक्स करना होता है। और टाइम ऑफ डेथ से अगर गवाहों का बयान मिल रहा हो तो उसे सजा होने में बहुत सहायता मिलती है प्रोसिक्यूशन को, और अगर डेफर कर रहा है, बहुत ज़्यादा डेफर कर रहा है, तो निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा एक्यूज हो जाता है। तो टाइम ऑफ डेथ कैसे प्रूव किया जाता है न्यायालयों में, उसे कई बार ऐसा भी होता है जैसे लास्ट सीन एविडेंस है या हमारी एलिबाई हमारा कहीं और वहाँ है उस समय है और जो टाइम दिखाया गया है वो कुछ और का है, तो इसलिए टाइम ऑफ डेथ प्रूव करना ज़रूरी है और उससे ही कई फायदे मिलते हैं प्रोसिक्यूशन को भी डिफेंस को भी। टाइम ऑफ डेथ के लिए जो क्राइटेरिया अब तक है चला आ रहा है वो है, अब तो कैसे सीसीटीवी लग गए हैं उससे भी टाइम पता चल सकता है, फुटेज से पता चल सकता है कि इंसिडेंट कब हुई है अगर सीसीटीवी प्रूफ है तो, अगर नहीं है तो सेकेंडरी जो वे है डेथ का टाइम पता करने के लिए वो होता है पोस्टमार्टम, जिसे ऑटोप्सी रिपोर्ट भी कहते हैं, एंड पोस्टमार्टम मीन्स डेथ के बाद, हालांकि वो शॉर्ट फॉर्म है पीएम जो होता है, टाइम सिंस टीएसडी होता है, टाइम सिंस डेथ, उसको जानने के लिए डॉक्टर्स जो होते हैं 3 प्रक्रिया जो हैं, जो चेंजेस होते हैं बॉडी में टाइम से, उसका उपयोग करते हैं टू एसर्टेन द रफ एस्टिमेट ऑफ टाइम ऑफ डेथ। ये 3 प्रक्रिया जो हैं, जो विभिन्न चेंजेस होते हैं बॉडी में, डेड बॉडी में, उसके आधार पे होती हैं। और एक सबसे पहला होता है कि जो शुरू में पहले 12 घंटे तक मदद करता है वो होता है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जिसे डिफाइन करते हैं लेवर मॉर्टिस के नाम से, जो बॉडी का टेम्परेचर है दैट स्टार्ट कूलिंग डाउन और उसकी वजह होती है कि बॉडी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन बंद हो जाती है, बॉडी धीरे धीरे ठंडी होने लग जाती है और जो आसपास का टेम्परेचर है उससे बॉडी का टेम्परेचर इफेक्ट करता है। इसके लिए सेट फार्मूला भी है, वो करीब 1.5 घंटे में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मृत शरीर का टेम्परेचर कम होता है। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो लेवर मॉर्टिस है, जिससे पता नहीं अर्ली डेथ अगर हुई हो पोस्टमार्टम से 10-12 घंटे पहले हुई हो तो उसके लिए लेवर मॉर्टिस जो है चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एक बहुत बढ़िया तरीका है जानने के लिए टू एस्टिमेट द टाइम ऑफ डेथ। फिर होता है डिक्लरेशन ऑफ द बॉडी लेवर मॉर्टिस, कोई डॉक्टर इस विधि को नहीं देखता, हालांकि ये जो बॉडी में चेंज होता है कलर ऑफ द बॉडी जो बदलती है उसका मेन कारण जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारी ज़मीन की पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसकी वजह से हमारे लोगों का बॉडी कलर डेथ के बाद चेंज हो जाता है, उससे पता चल सकता है कि डेथ आदमी की कब हुई है, लेकिन ये भी पहले 24 घंटे में हो सकता है। ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर और बिकॉज ऑफ ब्रेन, दो डेथ होती है ब्रेन डेथ और हार्ट डेथ, हार्ट उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो होता है पंपिंग ऑफ द हार्ट से होता है वो सबको पता है, वो बंद हो जाता है और ब्लड जो होता है वो नीचे चला जाए बॉडी के नीचे की तरफ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे मूव करना लग जाता है, तो उससे जो बॉडी कलर जो होता है इनसाइड वो बदल जाता है, क्योंकि नीचे चला जाता है ब्लड पैरों की तरफ जाता है तो पैरों कमर से नीचे का जो कलर है वो पर्पलिश या ब्लूश हो जाता है टाइम के चेंज होने के साथ साथ,
और ऊपर की बॉडी, क्योंकि ब्लड नीचे चला जाता है, हीमोग्लोबिन हमारे जो पिगमेंट्स होते हैं हीमोग्लोबिन, उससे हमारा कलर भी डिपेंड करता है। जहाँ पे हीमोग्लोबिन ना हो, ब्लड सर्कुलेशन ना हो, तो वहाँ पेल हो जाता है। तो डेथ के बाद पेलनेस ऑफ द अपर साइड और नीचे का कलर जो है, उसका कलर देख के भी पता चल जाता है पहले 24 घंटों में कि डेथ कब हुई है। इसको भी अब डॉक्टर्स इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो, जैसा कि आम तौर पर हिंदुस्तान में हो रहा है, कोई काम कानून से नहीं होता। फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं, ओनली दे कैन परफॉर्म पोस्टमार्टम। जो फॉरेंसिक साइंस और पैथोलॉजिस्ट दोनों साइंस के होते हैं एक्सपर्ट, वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो आई सर्जन भी कर रहा है, हमारे यहाँ ENT वाले भी कर रहा है, रोज़ हम लोग देखते हैं। और बल्कि ENT और आई सर्जन कोई नहीं करता, वहाँ पे मॉर्चरी में एक क्लास 4 एम्प्लॉय होता है, वही सारी सर्जरी करता है, वही बताते हैं डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स के आधार पर बोला देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ सर्टन पर्सन। अगर उन्होंने पोस्टमार्टम गलत किया, या तो मुद्दे को नुकसान होगा या मुजरिम को नुकसान होगा। तो इसलिए इट शुड बी परफॉर्म्ड बाई सम एक्सपर्ट, जैसे फॉरेंसिक साइंस और पैथोलॉजिकल साइंस का पता हो। वो लाइव रोबोटिक्स और राइगर रोबोटिक्स सभी करेंगे, वो लोग तीनों जो रोबोटिक्स होती हैं, जो चेंजेस होती हैं बॉडी, वो सब करेगा जो पढ़ा लिखा डॉक्टर होगा। लेकिन हिंदुस्तान में उनकी कमी है। अब आखिर में आता है रिगर मॉर्टिस। रिगर मॉर्टिस जो होता है, हर एक को पता है, मृत्यु उपरांत आक्रमण, बॉडी डेथ के तुरंत बाद बिकॉज ऑफ डिक्लेरेशन, रिक्तिकरण खत्म हो जाता है, ATP एडिनिन ट्राइफॉस्फेट नाम का जो हमारा होता है, जो हमारे मसल्स की एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, उसे कॉन्ट्रेक्शन में, उसके डिट्रेक्शन में, हमारी जो बॉडी होती है उसका लचीलापन, सबको पता है मसल्स से होता है, सारे काम हमारे हाथों के पैरों के जो होते हैं मसल्स से ही होते हैं। तो एक्टिन मायोसिन जो, उसमें दो फाइबर्स होते हैं जिन्हें एक्टिन मायोसिन कहते हैं, ये दो फाइबर्स होते हैं मसल्स में, और इनकी एक्टिविटीज जो होती है, ये क्या कहते हैं, बायोलेंट बॉन्ड बॉन्डिंग करते हैं बॉडी में, जिससे हमारी मसल्स की एक्टिविटीज जिंदा रहते हुए होती हैं। और इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो ATP होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारे बॉडी में एक केमिकल होता है, वो होता है, उसके मदद करता है उसमें। जब डेथ हो जाती है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। एरोबिक जो रेस्पिरेशन बॉडी के अंदर होती है, एरोबिक जिस पे ऑक्सीजन का लेवल होता है, बॉडी एक्टिव में होता है, जो जो एरोबिक रेस्पिरेशन सेल्स की जो होती है, बॉडी की नहीं, हमारी नेजल नहीं, जो सेल्स की होती है, वो ख़त्म हो जाती है, उससे ATP भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है, उससे एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो उसके प्रभाव से जो उसमें फ्लेक्सिटी होती है मसल्स में, जो लचीलापन होता है जिंदा आदमी के, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। और रिगर मॉर्टिस, उसको टर्म यूज़ किया गया उसको बताने के लिए, या आप सब साधारणतः यह 2-3 घंटे में शुरू हो जाती है। लोगों का भ्रम है, अभी इससे ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है, और अदालतें भी आमतौर पर यही मानती हैं कि ये जो RM के शुरू होती है, वो आईब्रोज के ऊपर से, आईज के आसपास से, या होंठों से होती है, शुरू होती है, ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है, जो गलत है। सारे सेल्स में रिगर मॉर्टिस की मसल्स जितनी हैं, प्रक्रिया एक साथ शुरू होती है, उसकी विजिबिलिटी में टाइम में फर्क होता है। जब दिखती है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को, जब वो अकड़न पैदा कर देती है, उसमें फर्क होता है, सेलुलर एक्टिविटी शुरू हो जाती है, डेथ होते ही वो शुरू हो जाती है, जो 2 से 3 घंटे में दिखना शुरू हो जाती है। और जो सबसे छोटी मसल्स होंगी तो उसमें सबसे पहले दिखेंगे, तो सबसे जो छोटी मसल्स हैं वो दे आर अराउंड द आईज, तो इसलिए भौहों में, पलकों में सबसे पहले मृत्युपरांत आकड़ा दिखना शुरू होती है, जबकि पूरी जिस्म में इकट्ठा शुरू हो जाती है। वो प्रोसेस जो होता है, केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, हर सेलुलर एक्टिविटी शुरू हो जाती है, लेकिन दिखती सबसे पहले आईज के किनारे और जबड़े वबड़े के पास आसपास दिखती है, शुरू में वही दिखती है, धीरे धीरे ये जाती है, जो बड़े मसल्स हैं उनके प्रभाव उसमें दिखना शुरू हो जाती हैं, वो अपीयरेंस हो जाती है शुरू।
एक्टिविटी तो शुरू हो जाती है शुरू में, तो वो पहले जाती है हमारे अपर लिम्ब्स में जिसे हम बाजू कहते हैं, अग्रबाहु कहते हैं, फिर जाती है लोअर लिम्ब्स में जिसे हम पैर और पार्श्व बाहु कहते हैं, वो वहाँ जाती हैं। मसल्स जो होती हैं सबसे बड़ी थाइस की होती है, सबको पता है, लेग्स की होती हैं। तो जो सेकेंड टाइप जो विजिबिलिटी दिखती है वो दिखती है अपर लिम्ब्स में, उसके बाद वो दिखती है लोअर लिम्ब्स में। मसल्स मस्कुलर प्रोसेस है ये आकड़न का जो है, रिगर मोर्टिस या वृत्त उपरांत आकड़न, ये सिर्फ मसल्स में होती है बिकॉज ATP के रिट्रैक्शन की वजह से, डिफ्लेक्शन की वजह से, उसके रिक्तिकरण की वजह से होती है। अब ये वहाँ पे करीब 6 या 8 घंटे में पूरे बदन में, राइट फ्रॉम आईब्रोज अप टू दी टोज, और कहीं नहीं होती, या मसल्स होगी वहीं होगी, हर जगह नहीं होगी है। ये करीब करीब 12 घंटे में पूरी हो जाती है, एक एस्टिमेट है। वो टेम्परेचर से फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा ठंड हो तो डिले हो जाएगा, पानी के अंदर डिले हो जाएगी, आइस हो तो और डिले हो जाएगी, और टेम्परेट मौसम हो वहाँ का, गर्म ज़्यादा गर्मी हो तो जल्दी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये वहाँ पे जब फिर बॉडी में जब पूरी हो जाती है RM रिगर मोर्टिस आकड़न मसल्स की आकड़न, तो ये 12 घंटे स्टे करती है। फिर वो 12 घंटे बॉडीज में रहती है ये, और 12 घंटे बाद ये रिसीट करना शुरू कर जाती है। जैसे बाढ़ का पानी या ज्वार भाटे में ज्वार आते हैं और भाटा आता है, तो वैसे ऑटोमेटिकली ये जो होता है रिसीट करना शुरू हो जाती है। और इसका जो प्रभाव रिसीडिंग का दिखाई देता है वो भी मसल्स के साइज पे डिपेंड करता है। तो इससे करीब 24 आवर्स तक ये रहती है बॉडी में, उसके बाद करीब करीब 8-10-12 घंटे में पास आउट हो जाती है। 36 घंटे बाद मैक्सिमम आमतौर पर टेम्परेट मौसम पर ये जो रिगर मोर्टिस होती है बॉडी की, ये दिखना बंद हो जाती है, आकड़न दिखना बंद हो जाती है। उसके बाद फिर और प्रोसेस शुरू हो जाते हैं डिकम्पोजिशन वगैरह का एंड अदर जो प्रोसेस हैं डेड बॉडी के, वो टाइम, हालांकि उस समय जो टाइम का होता है दिक्कत ये है कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, शुरू में तो एक्यूरेट होता ही है लेबर मोर्टिस से, टेम्परेचर से या डिक्लरेशन से। RM जो हम लोग ये होती है रिगर मोर्टिस जो होती है, इसका जो है क्राइटेरिया थोड़ा और कम हो जाता है, उससे डेथ एग्जैक्ट टाइम पता चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट होती है आमतौर पे, जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन होती है, अगर वो आगे में एक्सपर्ट हैं, वो इफ़ दे नो द फॉरेंसिक साइंस एज वेल एज पैथोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी ऑल्सो, तो उसमें करीब करीब 25% का इधर उधर होता है। अगर 6 घंटे का टाइम दिया है तो 1.5 घंटे इधर या उधर, मृत्यु का समय 1.5 घंटे कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, 12 घंटे में 3 घंटे और 3 घंटे होता है। और फिर मैगोट फॉर्मेशन वगैरह होता है, वो बहुत पुरानी कहानी है, जब काफ़ी कई दिन बाद शुरू होती है मैगोट फॉर्मेशन, डिकम्पोजिशन वगैरह होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बस ये ज़रूरी है कि मर्डर केसेस में, इवन सुसाइडल केसेस में भी टाइम ऑफ डेथ फिक्स करने के लिए तरीका सिर्फ यही है, ये 3 जो बॉडी मोर्टिस होती हैं। हालांकि हिस्टोलॉजिकल चेंजेस से भी पता चल जाता है, लेकिन हिस्टोलॉजिकल चेंजेस हम लोग करते नहीं, उसमें बॉडी पार्ट्स को निकाल करके उनकी स्लाइड बना के देखना पड़ता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। आज इतना ही, धन्यवाद।